संत मार्टिन द पोरस चर्च आपका स्वागत करता है। हमारी पल्ली पुरोहित आदरणीय फादर जी सुराज, जिनकी प्रार्थना और उपदेश द्वारा अनेक लोगों ने चंगाई और जीवन में परिवर्तन लाए हैं और साक्षात ईश्वर को महसूस किया है, उनकी रोजाना रोजरी माला और दिव्य करुणा की प्रार्थना 1:15 से प्रारंभ होती है। आप सभी का स्वागत है। आइए उनके द्वारा सुनें प्रार्थना करने का क्या महत्व है और प्रभु येशु की उपस्थिति को महसूस करें। धन्यवाद। अरे भाई तथा बहनों, जैसे हमने सुना प्रभु येशु प्रेरितों को हे पिता हमारी प्रार्थना सिखाते हैं, मगर येशु अपने जीवन में कैसे प्रार्थना करते थे? क्या इस हे पिता हमारी प्रार्थना को बार बार दोहराते थे? मैंने सोचता हूँ। और प्रभु येशु के जीवन में बाइबल से ही हम देखते हैं येशु किस प्रकार प्रार्थना करते थे। और कभी कभी येशु प्रार्थना करने के लिए निर्जन स्थान जाते थे, कभी कभी ऊंचे पहाड़ पर रात भर प्रार्थना करते थे, और कभी कभी लोगों के बीच में प्रार्थना करते थे, कभी कभी अकेले में अलग अलग स्थान पर। मार येशु की प्रार्थना इस प्रकार बाइबल में हम देखते हैं कैसे प्रार्थना किया। जैसे कि हम मत्ती 15:36 में पढ़ते हैं, प्रभु येशु ने 7 रोटियां और मछलियां लेकर सबसे पहले धन्यवाद की प्रार्थना बोली। धन्यवाद प्रभु येशु के हर प्रार्थना में पहला स्थान महत्व रखता है। आगे चलकर हम देखते हैं प्रभु येशु और एक बार चमत्कार 5 रोटी और मछली लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ते हैं। और योहन 11:40 में पढ़ते हैं, प्रभु येशु लाजरस के कब्र में हैं और सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। अभी सारी जनता देख रही है क्या बोल रही है, येशु क्या बोलने वाला है। और प्रभु येशु ने क्या कहा, हे पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तू मेरी प्रार्थना सुनेगा। तो हर प्रार्थना में प्रभु येशु धन्यवाद की प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। आप और मैं प्रार्थना करते समय क्या धन्यवाद के लिए स्थान है, या हम सिर्फ मांगते रहते हैं मुझे ये चाहिए हो चाहिए? और इसलिए येशु हमें सिखाते हैं कि हमारे जीवन में यदि आज हम सभी जन गिरजाघर आए हैं, सवेरे बिस्तर से उठ पाए हैं, हाथ पैर धो सके हैं, अच्छे कपड़े पहन सके हैं, ये सब प्रभु की देन है। यदि हम धन्यवाद देने के लिए बैठ जाएंगे तो सुबह से लेकर शाम तक हमारे जीवन में आशीषों के लिए कभी कमी नहीं होगी। यदि हम धन्यवाद देंगे फिर हम ईश्वर से शिकायत करने के लिए मौका ही नहीं, हम धन्यवाद नहीं देते हैं। और इसलिए हम हमेशा यीशु से मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। धन्यवाद के लिए येशु आज हमें सिखाते हैं किस प्रकार हमें हर प्रार्थना में धन्यवाद प्रार्थना कहना चाहिए। यदि हम जैसे मैंने कहा अच्छा भोजन खा रहे हैं, येशु को धन्यवाद दीजिए, हमारे हाथ पैर उठता है खाने के लिए, ईश्वर का। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने अच्छे अच्छे काम किए, कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगों को चंगा किया। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने अच्छे अच्छे काम किए, कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगों को चंगा किया। जय जयकार, जय जयकार यीशु के लिए, जय जयकार।